तक की आपको बस देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप मॉर्निंग में अपना प्लान बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी मॉर्निंग में मैं आ चुका हूँ 5:30 बजे यहाँ पे, देखता हूँ जो पहली बस मिलेगी मुझे, मैं वहाँ से निकलूंगा सबसे पहले भीमा शंकर। तो ये शिवाजी नगर का बस स्टैंड है जो कि पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूर की स्थित है। तो यहाँ आप आइए और यहाँ से आपको भीमा शंकर की डायरेक्ट बस मिलेगी जो कि 110 या 120 किलोमीटर है और वो आपको 4 घंटे पे भीमा शंकर पहुँचा देगी। तो चलिए अभी देखता हूँ कि सबसे पहली बस यहाँ से भीमा शंकर कितने बजे प्रस्थान लेती है। तो भीमा शंकर जब दोस्तों आप जाएंगे तो आपको आधा रास्ता प्लेन मिलेगा और आधा रास्ता आपको मिलेगा पहाड़ी रास्ता, लेकिन पहाड़ी उतनी भी ज्यादा पहाड़ी नहीं है। तो आप इस तरीके से अपना बाई रोड यात्रा तय कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी के द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं, जिसका चार्ज दोस्तों पुणे से लेकर भीमाशंकर आना और जाने का मिला के आप मान के चलिए कि 5,000 से 6,000 रुपए लगता है और आप फाइनली सेम डे में रिटर्न हो सकते हैं यदि आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लगभग 3 घंटे की जर्नी करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं इस भीमाशंकर के छोटे से बस स्टैंड पे। हालांकि पुणे से जो भीमाशंकर की डिस्टेंस है वो टोटल 120 किलोमीटर की है, जिसमें आपको 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं इस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में। लेकिन मॉर्निंग की बस थी करके मैं थोड़ा जल्दी पहुंच चुका क्योंकि ट्रैफिक नहीं थी और ट्रैफिक ना होने की वजह से फटाफट पहुंची थी। छोटा सा भीमाशंकर का बस स्टैंड है जहां पे आपको पुणे और मुंबई के लिए भी यहां से डायरेक्ट बस मिल जाती है। और यहां से अगर देखेंगे तो बगल में पीछे आपको कुछ 2-4 होम स्टे देखने को मिलते हैं। यहां पे आप होटल के क्या क्या ऑप्शंस हैं चलिए आगे चल के मैं आपको बताता हूं क्या रेंज रहेंगे होटल्स के, उसके भी मैं आपको डिटेल्स आगे देता हूं। दूसरी चीज़ ये कि मॉर्निंग में जो बस थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुणे से जो पहली बस निकली वो हमारी 5 बजे की थी, सेकंड बस जो निकली है वो 5:45 पर निकली यानी कि 5:45 बजे निकली। तो मॉर्निंग की बस में 3 घंटे का सफ़र लगता है, उसके बाद की बस लेंगे आप 7 बजे 8 बजे की तो वो आपको 4 घंटे कम से कम तो लेगी यहाँ भीमाशंकर में आने के लिए। तो एनीवे हम अभी चलिए बस स्टैंड से चलते हैं होटल की तरफ, देखते हैं क्या होटल स्टे अकोमोडेशन के हमारे ऑप्शंस हैं और उसके बाद फिर हम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए नाइल पे लगेंगे। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको भीमाशंकर टेंपल के आसपास यहाँ पे हमको क्या होटल के अकोमोडेशंस मिलेंगे और हमारा बजट क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ लॉज देखने को मिलेंगे, कुछ धर्मशाला देखने को मिलेंगे जो कि आपको सस्ते और रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो होटल्स की रेट होती है वो लगभग 500 रुपए से स्टार्ट होकर 600 रुपए 700 रुपए होती है। सीजन टाइम में इसका रेट 1,000 रुपए भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे होटल्स के ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड जो भी मिलेंगे वो आपको धर्मशाला मिल जाएंगे। वही अगर मैं बात करूँ कि खाने पीने की क्या बंदोबस्त है तो दोस्तों यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा। यहाँ पे आपके बहुत ही रीजनेबल रेट में यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएंगे और आपको थाली भी मिल जाएगी। अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ दोस्तों तो आपका 40 से 50 रुपए में भरपेट आप नाश्ता कर लेंगे। वही अगर मैं लंच या डिनर की बात करूँ तो दोस्तों आप मान के चलिए कि 150 रुपए में आप भरपेट अनलिमिटेड थाली ले सकते हैं और अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए कैसे मंदिर प्रांगण तक पहुंचना है। दोस्तों यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन आते हैं, जो आपका बस स्टैंड था, बस स्टैंड से दोस्तों आप यहाँ पे 2 मार्ग से पहुंचेंगे। एक तो आप दोस्तों ये जो देख रहे हैं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये आपका सीढ़ी वाला मार्ग है यानी कि स्टेयर वाला मार्ग है। स्टेयर से अगर आप दोस्तों मंदिर तक जाते हैं तो आपको 350 सीढ़ी नीचे उतर के जानी पड़ेगी, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि स्टेयर का उपयोग ना करें तो आप ये जहां मैं चल रहा हूं तो यहां पे आपको स्लोप रास्ता भी मिलेगा दोस्तों, तो इस स्लोप वाले रास्ते से भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे तो आपको 350 सीढ़ी दोस्तों नीचे उतरना पड़ेगा और वापस आने के लिए आपको चढ़ाई मिलेगी। ये वाला जो मार्ग है दोस्तों ये सीढ़ी वाला मार्ग है, तो जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे बस स्टैंड से तो आपको डाउनवर्ड्स स्टेयर्स पड़ेंगे, वही वापसी जब जाएंगे तब आपको आप स्टेयर्स मिलेंगे। लगभग 350 की सीढ़ियाँ यहाँ पे आती हैं, अदरवाइज आप स्लोप के माध्यम से भी आ सकते हो। अदरवाइज आप दूसरे रास्ता जो है यानी कि प्लेन रास्ता स्लोप वाले रास्ते से भी आ सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। चाहे तो आप स्टेयर वाला ले लीजिए, चाहे तो आप दूसरा ऑप्शन यानी कि स्लोप वाला ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों। अभी हम मंदिर प्रमाइसिस के अंदर जा रहे हैं और देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पे ना मात्र की है यानी कि बहुत कम भीड़ है। तो अच्छा है कि हमारा दर्शन भी 5 मिनट में हो जाएगा, तो बेस्ट टाइम यही है कि आप ऑफिसन पाए तब आपको भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका महादेव के मंदिर का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं LED स्क्रीन पे आपको महादेव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ रहा शिवलिंग यानी कि हमारे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का, यहाँ पे दर्शन लोग कर रहे हैं। दोस्तों इस मंदिर के अंदर यानी कि डायरेक्टली गर्भगृह में आपको जाकर छूकर दर्शन की यहाँ पे प्रथा है और साथ ही साथ यहाँ पे जल अर्पण भी कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी आप जो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ज्योतिर्लिंग पे